ने ये कंफर्म किया है कि करीब 15 देशों ने कसाब के खिलाफ केस किया है, क्योंकि ये जो 15 देश है ये वही देश है जिनके जो नागरिक थे वो इन हमलों में मारे गए थे। ये सारे देश है, सिंगापुर है, यूएस है, यूके है, इसराइल है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, फ्रांस, जर्मनी, मलेशिया, मेक्सिको, इटली, नेदरलैंड, थाईलैंड और मॉरिशस। सिद्धार्थ, ये 15 देश है, इन 15 देशों के जो नागरिक थे यहाँ पे जो हमला हुआ था वो इस हमले में ये लोग मारे गए थे, और इसीलिए इन सारे देशों ने अपने यहाँ पे केस दर्ज किए हैं कसाब के खिलाफ। और ये बात जो है आज जॉइंट सेक्रेटरी मारिया ने कंफर्म किया है। इसके अलावा एक दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही है कि कसाब की जान को दाऊद डी कंपनी से खतरा है और इसीलिए उसकी सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। जी, यानी कसाब की जान को डी कंपनी से खतरा है, इस पर हम आपसे आगे बात करेंगे, लेकिन ये बताएं कि ये 15 देश वो देश है जिनके नागरिक इन हमलों में मारे गए। जी हाँ, खास तौर पे जैसे नरीमन हाउस में जो हमला हुआ था वहाँ पे जो लोग मारे गए थे वो इजरायली थे, इजरायली परिवार को पूरा बंधक बनाया गया था। इसके अलावा ओबेरॉय में विदेशी नागरिक मारे गए थे, इसके अलावा ताज में भी विदेशी नागरिक मारे गए थे। तो जो जो विदेशी नागरिक मारे गए थे उनके वो जिन देशों के रहवासी थे उन देशों ने कसाब पे मुकदमा किया है। तो कुल मिला के केवल भारत नहीं, भारत के अलावा 15 देशों ने कसाब के खिलाफ मुकदमा अपने अपनी कंट्री में दर्ज किया है, क्योंकि इनके इनके जो नागरिक थे वो मुंबई टेरर अटैक में मारे गए थे। जी उमेश, ये बताएं कि ये जो 15 देशों के तरफ से जो केस दायर हुए अदालत में, जिस तरह से अमेरिका की जांच एजेंसी FBI ने कसाब से पूछताछ की है, क्या मुंबई पुलिस इस तरह का कोई संकेत दे रही है कि इन देशों की जांच एजेंसियां भी जो हैं वो लगातार मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच से संपर्क में है कि इनसे पूछताछ, अजमल आमिर कसाब से पूछताछ की जाए, करने दी जाए? कई देशों की पुलिस की जो टीम है सिद्धार्थ यहाँ पे आके गई है। जैसे पिछले कुछ हफ्ता पहले जर्मनी की पुलिस की जो टीम थी वो यहाँ पे आई थी कसाब के सिलसिले में। इसके अलावा दूसरी FBI की टीम तो जब से हमला हुआ है उसके बाद से FBI की टीम यहाँ पर आई है और वो यहीं पर मौजूद है, क्योंकि इस मामले में कसाब के मामले में FBI की टीम गवाही भी देने वाली है कसाब के खिलाफ। तो जो जिन जिन देशों जो जो देश पॉसिबल हो सका उन लोगों ने यहाँ पे टीम भेजी है क्राइम ब्रांच के यहाँ पे वो टीम आई भी है और क्राइम ब्रांच के जो जॉइंट सीपी मारिया है उनसे ये लोग मिल भी रहे हैं। तो पिछले कुछ महीनों पहले इसके अलावा UK की जो पुलिस थी वो भी यहाँ पे आई हुई थी, लेकिन पुलिस इस वक्त ये डिस्क्लोज नहीं कर रही थी कि उनके पास कितने लोग कितने देशों की पुलिस आकर जा चुकी है। लेकिन अब ये बात जरूर क्राइम ब्रांच ने कन्फर्म कर दी है कि 15 देशों ने कसाब के खिलाफ मामला दर्ज किया है उनके कंट्रीज में। उमेश बने रहे हमारे साथ, हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें क्या खबर है। 15 देशों में मुकदमा दर्ज हो गया है अजमल आमिर कसाब के खिलाफ। 26/11 में जिन जिन देशों के नागरिक मारे गए हैं उन तमाम देशों ने मामला दर्ज किया है अजमल आमिर कसाब के साथ, यानी इन देशों में शामिल है सिंगापुर, अमेरिका, ब्रिटेन, इसराइल, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, जापान, फ्रांस, जर्मनी, मलेशिया, मेक्सिको, इटली, नीदरलैंड, थाईलैंड और मॉरिशस। इन तमाम देशों के नागरिक जो हैं इन हमलों में मारे गए हैं और ये सभी इन सभी देशों की पुलिस जो है एक तरह से हथकड़ी लिए तैयार खड़ी है अजमल आमिर कसाब को पकड़कर उससे पूछताछ करने के लिए। खैर, पूछताछ के लिए अमेरिका की FBI की टीम तो मुंबई में थी और अजमल आमिर कसाब के मामले में वो कसाब के खिलाफ गवाही भी देगी, क्योंकि जो इंटरसेप्ट हुए हैं उसको उन इंटरसेप्ट को सही सत्यापित किया है FBI की टीम ने। और उसी तरह से जिन जिन देशों की जांच एजेंसियां आ सकी हैं वो आई हैं और लगातार मुंबई पुलिस के संपर्क में हैं। उमेश कुमावत हमारे साथ बने हुए हैं। उमेश, इस बीच ये भी खबर है कि मुंबई पुलिस की भी 3 सदस्यीय एक टीम जो है वो अमेरिका के लिए रवाना हुई है इसी जांच के सिलसिले में। जी हाँ, इसी जांच के सिलसिले में मुंबई पुलिस के जो एडिशनल CP है क्राइम ब्रांच के देवेन भारती, इसके अलावा दो इंस्पेक्टर है, एक अरुण चौहान है और दिनेश कदम, ऐसे 3 लोगों की एक टीम कल ही अमेरिका गई है शेयरिंग के लिए। खासतौर पर जो गवाही देने वाली है FBI उसमें कुछ बातें हैं जिसको लेकर ये शेयरिंग होने वाली है, जिसमें खासतौर पर जो डीएनए सैंपल की जो बात थी वो डीएनए सैंपल के बारे में भी FBI गवाही देगी। इसके अलावा दूसरी बात जो थी कि जो सैटेलाइट फोन से जो बातें हुई थी आतंकवादियों की एक दूसरे से,
उसके बारे में जो है उसका जो सर्विस प्रोवाइडर है वो यूके में है और वहां पर एफबीआई ने अप्रोच किया था, तो उस सिलसिले में उसको सत्यापित करने के लिए एफबीआई जो है भारत को कोऑपरेशन दे रही है और उसके मामले में भी एफबीआई के जो अधिकारी है वो कसाब के खिलाफ गवाही देंगे। तो एफबीआई पहले से ही कोऑपरेट कर रही है और जब से यहाँ पे आई है तब से उसके जो अधिकारी है 3 अधिकारी यहीं पर है सिद्धार्थ जी।